नमस्कार, आज बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ जी, वैसे तो देश के हर कोने के चौखट पे आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। आप अगर अपने घर से बाहर जाके एक पत्थर फेंक के मारोगे, जाके किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को जाके लगेगा। हाँ जी, वैसे तो आज देश के अंदर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज्यादा तादाद में कॉलेजेज ओपन हो चुके हैं। हाँ जी, कुछ अच्छे कॉलेज है, कुछ इथिकल कॉलेज है और कुछ अनइथिकल कॉलेज है। बस पैसा लूटे जा रहे हैं, लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं और हमारे देश के यूथ को अब बेरोजगार करते जा रहे हैं। अब कुछ आज ऐसे कुछ शहरों की बात करेंगे, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। भैया, तुम यहाँ से इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अब वैसे हमने भी इंजीनियरिंग किया था, अब बचपन के अंदर इंजीनियरिंग का क्या माहौल रहता है, कहाँ से करना चाहिए, क्या सारा प्रोसेस है, आज बात करेंगे ऐसे कुछ विषय के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में आज हम। वैसे तो देश के अंदर कुछ ही ऐसे शहर है जहां से आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। हाँ जी भैया, ऐसे क्यों? मैं अपने लगनपुर, मगनपुर, हाँ जी ललनपुर, रामपुर, पुरपुर से क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? हाँ जी, देखो इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास आया कोई आइडिया, भैया मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, मेरे को बहुत बड़ा प्लेसमेंट फोड़ना है। अब लेकिन मैं तो लल्लू लाल जी के बैठा हूँ। हाँ जी, अब मैं बिहार के अंदर बैठा हूँ, मैं झारखंड में बैठा हूँ, मैं उड़ीसा के अंदर बैठा हूँ। हाँ जी, अब मैं कैसे अपना स्टार्टअप करूँगा? लेकिन क्या है, अब कुछ ही वैसे अच्छे शहर की अगर बात करूँ, इंडिया का सिलिकॉन वैली। हाँ जी, आपने इंडिया के सिलिकॉन वैली का नाम सुना है, बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हाँ जी दिल्ली, NCR, नोएडा और जयपुर। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रा है, इनोवेशन है और फंडिंग भी है। इसमें क्या होता है, आज आपने देखा होगा IIT दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा स्टार्टअप कैसे आ रहे हैं भैया। हाँ, IIT दिल्ली में इतना स्टार्टअप कैसे आ रही है, IIT रोपण वाले भी को भी तो टीचर पढ़ा रहा है, अब वहां से स्टार्टअप कैसे नहीं आ रहे, वहां के लोगों का करोड़ों में प्लेसमेंट क्यों नहीं जा रहा? अब ये जो देश के जो टॉप सिटीज है वहीं पर ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, बॉम्बे में ऐसा क्यों हो रहा है, मद्रास इतना ज्यादा इनोवेशन क्यों कर रहा है? हाँ, ये जोधपुर को क्या हो रहा है? अदर स्टेट के अंदर बहुत सारे IIT है, NIT है, IIT या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको क्या हो चुका है, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखो, मैं दिल्ली के अंदर हूं, हाँ जी मेरे पास कोई आईडिया आया, मेरे को वहां पे इन्वेस्टर मिल गया, फंडिंग मिल गई, इनोवेशन मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, R&D भी मिल गया, पूरा टीम भी बन गया और एकदम मेरा स्टार्टअप हो गया लॉन्च पूरा। लेकिन अगर मैं बिहार में हूं तो अब जो मैं घर से बाहर निकलूंगा, अब तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को पौवा मिलेगा। हाँ जी, मेरे पास आइडिया है, कोई बात नहीं, मैंने पौवा पिया और सो गया। पौवा पिया और सो गया। अगर मैं हिमाचल में हूं, कोई बात नहीं, सर्दी की वजह से ऐसे ही मर जाऊंगा। जम्मू कश्मीर में तो एकदम आतंकवादी गेम डिसमिस, खत्म एकदम। और राजस्थान, राजस्थान में हो आप, कोई बात नहीं, पानी की वजह से आपका आइडिया, आपका आइडिया सो जाएगा बिना पानी के। हाँ, उसके बाद में ये जो मद्रास वाला एरिया है, हाँ जी जो साउथ वाला एरिया, उधर क्या सिस्टम है? हाँ जी, इनोवेशन इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है उधर? आपने अगर देखा होगा, एविएशन कंपनीज, एरोस्पेस कंपनीज, R&D कंपनीज कहां पे आज हमारे देश के अंदर? हां जी, बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु, आज देश की सबसे ज्यादा एविएशन कॉलेजेस भी कहां है? तमिलनाडु के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। हां, आप तो लोकेशन बहुत मैटर करता है भैया। हाँ जी, आप वेस्ट बंगाल के अंदर हो, अब कोई बात नहीं, दीदी आपके डॉक्यूमेंट्स ही प्रोसेस नहीं करने देंगी। अब बिहार के अंदर तो आप पौवा पी के सो जाओगे, और किसके बारे में जानना चाहते हो? इसीलिए आपको क्या करना होता है, अब आपके पास अच्छा लोकेशन होना चाहिए भैया। हाँ जी, अगर आपके पास अच्छा लोकेशन है, अब अगर मेरे को एक्टर बनने का है, हाँ जी हीरो बनूंगा, हीरो एकदम हीरो बनूंगा। अब लेकिन क्या है, मैं बिहार में बैठा हूँ, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, मैं
गुजरात में बैठा हूँ, अब तब वो पॉसिबल नहीं है, मेरे को उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा भैया, ऑडिशन देने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वो सिर्फ मैं मुंबई में सीख सकता हूँ। अगर मैं राजस्थान में बैठा बैठा सोचता हूँ, पंजाब में बैठा बैठा सोचता हूँ, आज तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं मुंबई में जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, 9 से 2 क्लास और 9 से 2 के बाद एक्टिंग, हाँ जी आसान हो गया मेरे लिए रास्ता। क्या हो गया? आसान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। अब लेकिन मैं दूसरे शहर में बैठा हूँ, आज तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज तो रिजल्ट आने के चांसेस ही नहीं बनते बिल्कुल। हाँ जी, ये चीजें आपको लल्लू लाल काउंसलर नहीं बताएगा। आज हमारे देश का लल्लू लाल काउंसलर क्या कर रहा है? वैसे वो काउंसलर नहीं है, उसका काम हो गया पैसा लूटना। आज से 5 साल पहले 2015 के अंदर भी जब आपकी काउंसलिंग हुआ करती थी, वो तुमको वही ब्रांच बताया करता था, भैया ये ब्रांच कर लो, बढ़िया है, मस्त है, नौकरी मिल जाएगी, 3 लाख LPA का पैकेज। और आज भी वही बताता है तुमको, जो ब्रांच आज से 5 साल पहले चलती थी, अब वही ब्रांच आज बता रहा है वो तुमको, अच्छा अच्छा ये ब्रांच कर ले तू, इस ब्रांच में तेरे को नौकरी मिल जाएगा। हाँ जी, पिछले 100 साल में हमारा देश जितना नहीं बदला, उससे ज्यादा पिछले 2 साल में बदल गया। आने वाले 10 साल के अंदर 90% जॉब्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। अब लेकिन ये हमारे देश के लल्लू लाल काउंसलर को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को कहाँ समझ आती है? वो वही बस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और BGMC। हाँ जी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड आर्ट्स कम्युनिकेशन। हाँ जी, इसके अंदर आज तक ने कमाल किया भैया, आज तक ने क्या किया, आज तक ने AI बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंकर को लगा दिया, इससे लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा भैया। हाँ जी, हमारी नौकरी जा तो सकती है। वैसे आपको क्या ख्याल है, आपके और भी कोई सवाल है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप भी परेशान है भैया, हाँ हम लोन कैसे ले पढ़ने के लिए, ये बैंक वाला लोन में बहुत काटता है, हमको बहुत पैसे काटता है ये, हाँ जी अपना बहुत प्रॉफिट कमाता है, उससे कैसे बचें, कौन सा कोर्स करें, कहाँ से करें, या फाइनेंस में क्या करियर है, एविएशन के अंदर क्या करियर है, हम साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसे, क्या करना पड़ता है इसके लिए। डोंट वरी, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, collegejankar.com।